सो हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि बैंजो में जो झाला होता है, जो चार तारे यहाँ से लगती है, वो कैसे असेंबल करना है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बैंजो के पीछे साइड में जो स्ट्रिंग होल्डर लगता है, जैसे कि ये हमने पहले ही बना के रखा था। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें झाला हो या स्वर मंडल हो या मेन तार का ब्रिज हो, तो सबसे पहले हमें यही फिट करके लेना है। तो कोई कोई लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे झाला के लिए, स्वर मंडल के लिए सबसे पहले तार फंसाने के लिए कटिंग कर देते हैं, फिर बाद में इसको कुछ इस प्रकार से फिट कर देते। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो तार है, तो समझिए यहाँ पे अभी हमने ये फिक्स किया, तो यहाँ पे हमारी तार है जो झाला के एक नंबर की जो तार है, तो वो कुछ इस प्रकार से यहाँ से आती है, यहाँ से। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो हैंड स्टैंड है, जहाँ पे हम हाथ रख के बजाते हैं, तो उसके लिए जगह नहीं मिलती। तो हमें वैसा नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें ये जो है, इसको कट नहीं करना है, इसको सबसे पहले हमें बैंजो में फिक्स करना है। और फिक्स करते समय दोस्तों हमें क्या करना है, तो आप समझिए कि जैसे कि झाला को हमें चार तार लगते हैं, तो यहाँ पे हमारी जगह कम लगती है। तो हमें क्या करना है, समझिए ये स्ट्रिंग होल्डर है, तो यहाँ पे हमारा चार झाला का तार लगने वाला है। तो हमें चार तार के लिए तो थोड़ी सी जगह लगने वाली है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़नी है। और जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से थोड़ा ये साइड में क्या है, तो यहाँ पे हमारे स्वर मंडल लगने वाले, तो स्वर मंडल के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह लगती है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमें लगाना है, जैसे कि हमारे चार झाला के लिए यहाँ से तार आएगी और स्वर मंडल के लिए यहाँ से। तो अभी हम सबसे पहले इसको फिक्स करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने फिट कर दिया है, जो पीछे का स्ट्रिंग होल्डर होता है वो फिट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा पीछे का जो स्ट्रिंग होल्डर है, जहाँ पे चाबी लगती है, तो वहाँ पे क्या करना है कि हमें जो यहाँ पे हमारी जो मेन तार और बेस तार फंसने वाली है रेड पट्टी में, उसके आगे वाला जो एक स्वर है, ठीक उसी जगह पे हमें जो सबसे पहला वाला झाला है वो हमें फिक्स करना है। तो अभी यहाँ पे हम एक झाला फिक्स करते हैं। तो ये कुछ झाला पट्टी है इस प्रकार से, यहाँ पे रीढ़ पट्टी के जो पीछे वाली साइड है उसके एक नंबर के रीढ़ पर्दे के साइज में ही ऐसा लगेगी ये। तो अभी हम इसको फिक्स करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने पहला वाला जो झाला है वो हमें फिक्स कर दिया है। तो दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ तार ऐसे लेने हैं और तार को हमें ये जो झाला का जो पीछे जहाँ से तार निकलते हैं वहाँ पे हमें फंसाना है। उसके बाद यहाँ से हमें तार निकाल के लेनी है। कुछ इस प्रकार से हमें तार यहाँ पे लगानी है। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी हमें क्या करना है कि जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी तार एकदम सीधी आ चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें तार के लिए मार्किंग करके लेनी है। तो यहाँ पे अभी हम मार्किंग करेंगे।
तो जैसे कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने मार्किंग करके लिया है। तो इससे होगा क्या कि जब हम कट करेंगे यहाँ पे चार झाला की स्लॉट, तो हमारे झाला की जो तारे है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगी। तो अभी हम इसको कट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने तार फंसाने के लिए कट मार चुके हैं। तो जो इसकी जो दूरी है, तो ये आप चाहिए तो 4 mm भी रख सकते हो, 5 mm भी रख सकते हो, नहीं तो आप 3 mm भी रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें अभी चारों के चारों झाला फिट करने हैं। तो चार झाला फिट करने के लिए हमने ये ड्राइंग निकाली है, जो पहले नंबर की ड्राइंग है। तो इसमें अभी आप देख सकते हो कि ये पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड है, जहाँ पे हमारी ये जो दूरी है वहाँ पे हमारा पहले नंबर की झाला की तार लगने वाले। तो यहाँ पे उसकी जो मेजरमेंट है, पहला झाला जहाँ पे लगने वाला है उसकी 22 इंच है पहले झाले की साइज, उसके बाद दूसरे झाले की 16 इंच, 14 इंच, फिर 10 इंच। तो ये जो दूरी है वो कौन सी दूरी है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी स्वर पट्टी है, मतलब रीढ़ पट्टी, जहाँ से हमारी रीढ़ पट्टी स्टार्ट हो रही है ना, वहाँ से लेके ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट आता है, तो समझे अभी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 24 इंच यहाँ पे आया, तो हमें यहीं पे झाला पट्टी फिट करनी है। उसके बाद दोस्तों जो दो नंबर तीन नंबर चार नंबर का जो झाला है हमें उसी प्रकार से हमें फिट करना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि जो 2 नंबर का झाला है वो 16 इंच पर है, तो यहाँ से हमें मेजरमेंट लेके 16 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, समझिए यहाँ पे हमारा 16 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हमें 2 नंबर की जो झाला पट्टी है वो हमें फिक्स करनी है। तो अभी हम इसको फिक्स करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने 4 झाला की पट्टी फिक्स कर दी है, जैसे कि हमने मेजरमेंट दिया था उस हिसाब से हमने झाला पट्टी फिक्स की है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने तार भी फिक्स कर दिया हो, जिसकी वीडियो निकालना मैं भूल गया। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि झाला पट्टी फिट करने के बाद हमें तार को लगा के लेना है। उससे होगा क्या कि जब हम ब्रिज फिक्स करेंगे, ऐसा ब्रिज फिक्स करेंगे हम, तो हमारा जो ब्रिज है वो एकदम प्रॉपर सीधा लगेगा। तो कोई कोई लोग क्या कर देते हैं कि सबसे पहले झाला पट्टी फिक्स करने के बाद डायरेक्ट ब्रिज फिक्स कर देते, तो उनकी कुछ तारे हैं ना, जिनकी तारे तो कुछ इस प्रकार से लग जाती है, कभी ये साइड बाहर आ जाता है ऐसा। तो हमें वैसा नहीं करना, हमें सबसे पहले तार लगा के लेना है, उसके बाद हमें ये ब्रिज लगाना है। तो ब्रिज लगाने के लिए दोस्तों हमने ये जो 2 नंबर की ड्राइंग है, इसमें आप देख सकते हो कि पहले ये साइड वाले ड्राइंग में हमने जो झाला के ब्रिज की है उसका मेजरमेंट दिया है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा ब्रिज है, ये एक्रेलिक का रहता है, आप चाहिए तो हड्डी का भी लगा सकते हैं, एक्रेलिक का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी साइज़ है 3 सेंटीमीटर, जो ये वाली साइज़ है वो 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 2.5 सेंटीमीटर इसकी ये वाली साइज़ है, और ये जो 8 mm है ये इसकी थिकनेस है, मतलब ये जो इसकी जाड़ी है, इसकी जो मोटाई है वो 8 mm है, तो ये 6 mm का है, तो हमने इसको 2 mm और बढ़ा के 8 mm का कर दिया। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ड्राइंग निकाली है, तो यहाँ पे जो झाला का जो हमारा ब्रिज है कुछ इस तरीके से है। तो ये आप देख सकते हो कि इसके ऊपर की बाजू प्लेन है, तो हमें ऐसा हाफ राउंड में करना है इसको, जो झाला का जो ब्रिज है उसको हाफ राउंड में करना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से हमारी तार निकल के यहाँ से स्ट्रेट जा चुकी है, तो कुछ इसी प्रकार से हमें हाफ राउंड का झाला करना है, ये झाला का ब्रिज करना है। तो अभी हम करते हैं इसको, फिर आपको वीडियो में बताते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो ब्रिज है वो हमने हाफ राउंड कर चुके हैं, आपको दिख रहा रहेगा। तो अभी हम इसको फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे अभी हम लगा के लेते हैं इसको। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कट, जो यहाँ से हमारी तार निकलती है उसको हमने कट नहीं किया, तो अभी हम इसको कट बाद में करेंगे, पहले चीज़ बताइए। तो अभी हम इसको धीरे धीरे ऐसा पीछे लाएंगे, और जो ये तार है वो हमें एक जैसा करके लेना है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो कि ये हमारी तार फिक्स हो चुकी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पेन से ना यहाँ पे हमें मार्किंग करके लेनी है।
तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे चार झाला के लिए मार्किंग किया है हमने, तो ये जो मार्किंग है वो हम कट करेंगे अभी। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने चार झाला के लिए कट कर चुके हैं जहाँ से हमारी तार निकलेगी, तो अभी हम इसको फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए दोस्तों जो ये जो ब्रिज की जो दूरी है, मतलब ये हमें कितने डिस्टेंस पे हमें फिक्स करना है, तो इसकी जो दूरी है वो है 5.5 इंच। मतलब सूर पट्टी की जो ये आगे से जो निकला है, ये सूर पट्टी के आगे का जो जहाँ से सूर पट्टी स्टार्ट होती है वहाँ से 5.5 इंच की दूरी पर हमें ये ब्रिज फिक्स करना है। तो अभी हम इसको फिक्स करते हैं फेविक्विक की मदद से। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि हमने जो फेविक्विक डाला था वो सूख के एकदम कड़क हो चुका है जो झाला का ब्रिज है। आप देख सकते हो कि इसकी आवाज कैसी है। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से हमें झाला का ब्रिज फिक्स करके लेना है।